हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल व्रत का राजगिरा का हलवा का रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। और ये राजगिरा का हलवा जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। व्रत में भी हमें ये खाना चाहिए और नॉर्मल डेज में भी हमें इस तरह से ये राजगिरा का हलवा बनाकर खाना चाहिए और हमारे बच्चों को भी बनाकर खिलाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं राजगिरा का हलवा। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राजगिरा का हलवा, यानी कि इसे रामदाना भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है। इसे मैंने अच्छे से धूप में 3-4 दिनों तक सुखा लिया था और सूखने के बाद मैंने ये लगभग 2 मिनट के लिए कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया और फिर इसका इस तरह से ये आटा बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसका ये आटा बना लेना है, बिल्कुल फाइन ऐसा ही है, हमें पीसना नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा कोर्स सा टेक्सचर इसका होना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे एरिया में इसे राजगिरा बोला जाता है, कई इलाकों में इसे रामदाना भी कहा जाता है। तो आज हम राजगिरा का हलवा बनाने वाले हैं, तो उसकी परफेक्ट मेजरमेंट आज मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपका हलवा जो है वो पतला भी नहीं बनेगा और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनेगा। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं हलवे की, तो इससे डबल सामान आपको लेना है। तो परफेक्ट इस तरह से डबल सामान आप लेते हैं तो वही थिकनेस वाला आपका भी हलवा ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जो मेजरमेंट बताई है वो परफेक्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो पानी लिया है। 1 कप पानी के लिए मैंने 1/2 कप यहाँ पर राजगिरा का पीट लिया है, यानी कि राजगिरा का आटा लिया है। तो ये राजगिरा का आटा मैंने 1/2 कप लिया है और इसका 1/2 मैंने यहाँ पर देसी घी और चीनी ली है। तो 1/4 कप मैंने देसी घी लिया है, 1/4 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इलायची ली है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर ये बिना इलायची के ये हलवा बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया ऐसा होता है। और साथ ही साथ मैंने ड्राई फ्रूट लिए है, आप ड्राई फ्रूट भी चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। मेरे घर में ये ड्राई फ्रूट डालकर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए मैं ये ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब सामान हमें ये राजगिरा का हलवा बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए हम राजगिरा का हलवा किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक पतीला ले लेना है और उसमें हमने जो पानी लिया है वो डालकर इसे लो फ्लेम पर हमें गर्म होने के लिए रख देना है। तवे में भी ये पानी गर्म करके डालना है, तो ये लो फ्लेम पर हम गर्म होने के लिए ये पानी रख देंगे। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है, गैस की फ्लेम हमें लो कर देनी है और पैन चढ़ा देनी है। अब हम इसमें हमने जो देसी घी लिया है वो ऐड कर देंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें राजगिरे का आटा डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो टोटल हमें 5 मिनट लग जाएगी ये राजगिरा का आटा जो है इसे भूनने के लिए। तो मैं ये भून लेती हूँ। टोटल ये 5 मिनट तक राजगिरे का आटा जो है ये भून लिया है, इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है और आटे ने जो है देसी घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आटा अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें हमने जो पानी लिया है वो डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ये पानी डालना है और एक तरफ हमें इस तरह से चलाते रहना है। इस तरह से हमें ये पानी डालकर ये हलवा जो है इस तरह से बना लेना है। तो कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियां जम जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और मैं अब पूरा पानी जो है इसमें ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है और इसमें का पानी जो है अब एब्जॉर्ब हो चुका है। लगभग 1 मिनट लगा इसमें पानी एब्जॉर्ब होने में, तो ये अच्छे से इसमें का पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट जो हमने लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे और इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। और इसे चीनी मेल्ट होने तक हमें इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए अब पका लेना है। राजगिरा का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, अब हम ये गार्निश कर लेंगे। तो गैस ऑफ कर लेती हूँ मैं। हमारा राजगिरा का हलवा बनकर रेडी हो गया है। व्रत में खाए जाने वाला ये राजगिरा का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।